खतरनाक नुकीले दांतों वाला एंशिएंट बीस्ट, जो मछली जैसी तेज रफ्तार से तैर सकती है और जिसे हमारे देश में टिकाए रखने के लिए भी इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी अलग जंग लड़ी। ये है इनक्रेडिबल घड़ियाल। घड़ियाल संभवत उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ था। वर्तमान में ये प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में वास करती है। पहले के समय में घड़ियाल भारत के उत्तरी क्षेत्रों के ज्यादातर नदियों में पाई जाती थी। पाकिस्तान की सिंधु नदी से लेकर भारत के गंगा, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी और म्यांमार का इरावती नदी तक ये प्रजाति अच्छी खासी तादाद में पाई जाती थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे सिंधु नदी और इसके पंजाबी सहायक नदियों में आम माना जाता था। 1980 के दशक की शुरुआत में ये सिंधु में लगभग विलुप्त हो चुका था और आखिर में 2008 और 2009 में की गई सर्वे के दौरान कोई भी घड़ियाल इस नदी में नहीं पाई गई। ये भारत के गोदावरी नदी में भी पाई जाती थी, लेकिन 1940 से 60 के दशक तक इनको पूरी तरीके से विलुप्त होने तक काफी तादाद में शिकार किया गया। सत्तर के दशक में कोशी नदी से भी इनको विलुप्त माना गया। आसाम के बाराक नदी और उसके सहायक नदियों में कुछ संख्यक घड़ियाल को स्पॉट किया गया, पर ये सर्वे 1988 के बाद आगे नहीं बढ़ी। घड़ियाल पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार में स्थानीय रूप से विलुप्त है। घड़ियाल भारत से पूरी तरीके से विलुप्त होने वाला था, इसीलिए भारत को नेपाल से 1991 में घड़ियाल के अंडे खरीदने पड़े और उनका ब्रीड करा के फिर वाइल्ड हैबिटेट्स में उनको छोड़ा गया उनकी तादाद बढ़ाने के लिए। इट्स कम्स अंडर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जहां घड़ियाल के अंडे अच्छी तापमान और देखरेख करके उससे बच्चे निकालने के बाद उनको 2 से 3 साल तक का होने तक रखा जाता था और भारत और नेपाल के नदियों पे कुछ संरक्षित क्षेत्रों में उन्हें छोड़ा जाता था। उड़ीसा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में बनाया गया देश का पहला घड़ियाल प्रजनन केंद्र। नेपाल में घड़ियाल के अंडों को नदी के तटों से कलेक्ट किया जाता है और उसका उष्मायन किया जाता है चितवन नेशनल पार्क के घड़ियाल प्रजनन केंद्र में। इसके अलावा भी है इंसिटू प्रोजेक्ट्स, जहां घड़ियाल को उनके खुद के ही आवास स्थल में संरक्षण किया जाता है विद स्ट्रिक्ट रूल्स। इन सब कारण से इनकी संख्या थोड़ा बढ़ी है। और तो और भारत में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, मैसूर जू, जयपुर जू और कुकरल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में भी घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है और फॉरेन में यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ चिड़ियाघरों में भी इनको रखा गया है। घड़ियाल ऑलिव कलर के होते हैं, जो समय के साथ साथ बड़े होने पे गहरे भूरे रंग का हो जाता है और 20 साल की उम्र में ये पूरी तरीके से काले रंग की हो जाती है। पीठ मटमैले रंग का होता है और पीठ के ऊपर स्केल्स हैं जो हड्डी से बने हुए हैं। थूथन बहुत लंबा और संकीर्ण होता है। घड़ियाल के सामने के दांत बहुत नुकीले और बड़े होते हैं। नर घड़ियाल अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंचने पर थूथन की नोक पर एक खोखला बलनुमा नासिका विकसित करती है। ये नासिका एक मिट्टी का पात्र जिसे स्थानीय रूप से घड़ा कहा जाता है उसी की तरह दिखती है। इसके कारण से ही इनका नाम घड़ियाल रखा गया है, which is obviously an Indian name.
मादाएं सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंचने पर इनका बॉडी लेंथ 8 से 14 फीट तक होता है, वहीं नरों की लंबाई 9 से 20 फीट तक होती है। अगस्त 1920 में फैजाबाद के घड़घड़ा रिवर में 21 फीट 6 इंच लंबा घड़ियाल को मारा गया था। फरवरी महीने के बीच से ही इनका मेटिंग सीजन शुरू होता है। मेटिंग के बाद ये नदी के तट में बालू में अपना घोंसला बनाती है और मार्च से अप्रैल के महीनों पे 20 से 95 तक अंडे देती है। एक बार उत्तर प्रदेश के कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 97 तक एग्स को रिकॉर्ड किया गया। मादाएं 71 से 93 दिन तक टाइम टू टाइम आके अंडा सेती है और जुलाई के महीनों पे अंडा फूट के बच्चे बाहर आती है। बच्चे अंडों से निकलने पर अपनी माँ को आवाज देते हैं और फीमेल्स आके उनको खोद के निकालती है। बच्चों के पालन पोषण में मेल्स का कोई योगदान नहीं है। चंबल रिवर में फीमेल्स को अपने बच्चों के पास रह के उनको प्रोटेक्ट करते हुए देखी गई है। कुछ मेल्स बच्चों को फीमेल्स के सहमति से अपने पीठ की सवारी करने देते हैं। ये बच्चे बहुत छोटे और असहाय होते हैं और आइंदा शिकारी पक्षी, बड़े मछली और दूसरे घड़ियाल का शिकार बन जाते हैं। इसलिए ये जन्म के बाद थोड़ा बड़े होने तक छिछले पानी में पेड़ों की छांव में छिपके रहते हैं। घड़ियाल सुबह के वक्त नदी के किनारों में आके धूप सेकते हैं। ठंडा खून होने के कारण ये गर्म समय के दौरान ठंडा होना चाहते हैं और परिवेश का तापमान ठंडा होने पर गर्म होना चाहते हैं। ठंडी के मौसम पर ये रोज धूप सेकते हैं और गर्म तापमान हो जाने पर दोबारा पानी में लौट जाते हैं। ये मुग्गेर क्रोकोडाइल्स के साथ अपना हैबिटेट शेयर करते हैं। इसके शार्प और मुड़े हुए दांत से ये बहुत आसानी से मछलियों का शिकार कर लेते हैं और फिश इनका पसंदीदा आहार है, जिस कारण से बंगाली में इनको मेछोकुमीर बोलते हैं, मतलब फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। इसके अलावा भी ये मेंढक, मेंढक के अंडे और कीड़े मकोड़ों को कंज्यूम करते हैं। घड़ियाल को लेके हमारे देश भारत में बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। हिंदू धर्म में इसे गंगा देवी का वाहन माना जाता है। नदियों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने घड़ियाल को रहस्यमय और उपचार शक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है और इसके शरीर के कुछ हिस्से स्वदेशी चिकित्सा के अवयव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 16वीं शताब्दी के पुस्तक बाबुरनामा में ज़ैर उद्दीन मोहम्मद बाबुर ने 1526 में गाजीपुर और बनारस के बीच घड़घड़ा नदी में एक घड़ियाल देखे जाने की गणना की है। नेपाल के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि घड़ियाल अपने नासिका में बहुत सी रहस्यमय शक्तियां धारण कर रखी है। थारू संप्रदाय के लोगों का मानना है कि घड़ियाल के घड़ा यानी नासिका को खेतों में जलाने पर वहाँ मौजूद सारे कीड़े भाग जाते हैं और घड़ियाल के अंडे खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ घड़ियाल के पेट में पाए जाने वाले गहने स्थानीय लोगों के इस विश्वास का कारण बन सकता है कि वे इंसान को खाते हैं। घड़ियाल को विभिन्न स्थानीय नाम से पुकारी जाती है, जैसे नेपाल में लमथोर गोही और चिमटा गोही। गोही का मतलब घड़ियाल, बिहारी इनको नाकर बुलाते हैं, वही उड़िया थंतिया कुम्हीरा। इनको घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीड करा के भारत में नदियों में छोड़ा जा रहा और इनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इनके चमड़ी, हड्डी और अंडों के लिए विपुल मात्रा में इनका शिकार होता आ रहा है और हमेशा नदियों में पहरा देके भी इनको बचाया नहीं जा सकता। इसके लिए जरूरत है जागरूकता की और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की,
फिलहाल इंडियन एनुअल रेस्क्यू संस्था पूरी कोशिश कर रही है इनकी तादाद बढ़ाने की। उम्मीद है कि इनकी कोशिश रंग लाए और ये अनोखी प्रजाति दोबारा नीडर होके भारत के नदियों पे रह पाए।